एक तरफ जहां देश में लड़कियों पर खेलकूद और पढ़ाई को लेकर पाबंदियां थीं, वहीं अब लड़कियां प्रत्येक क्षेत्र में अव्वल आ रही हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो बार ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पीवी सिंधु के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर वो कैसे ओलंपिक विजेता बनी, इसके पीछे की कहानी क्या थी और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सोलंकी हिस्टोरिकल दुनिया में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पीवी सिंधु का पूरा नाम पुसरला वेंकट सिंधु है। पीवी सिंधु 21वीं सदी की सबसे प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन स्टार हैं। साथ ही बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और मुक्केबाज मैरी कॉम के साथ खेल जगत में भारत के चमकते सितारों में से एक हैं। आपको बता दें, पीवी सिंधु का जन्म 5 जुलाई 1995 को आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में हुआ था। उनके माता पिता भी राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल खिलाड़ी थे। उनके पिता पीवी रमला ने 1986 के सियोल एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। पीवी सिंधु ने मात्र 8 साल की उम्र में ही बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था। दोस्तों, अब बात करते हैं उनके खेल जगत के बारे में। अखिल भारतीय रैंकिंग चैंपियनशिप और सब जूनियर नेशनल जूनियर बैडमिंटन जैसे खिताब जीतकर पीवी सिंधु ने स्पष्ट कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने के बाद वह एक बड़ी खिलाड़ी होंगी। 2009 में पीवी सिंधु ने सब जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता और एक साल बाद उन्होंने ईरान में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज में एकल रजत पदक जीता। पीवी सिंधु के करियर ग्राफ के बारे में एक खासियत यह है कि साल दर साल वार्षिक आयोजनों में लगातार उनका सुधार हुआ है। यह पहली बार 2012 एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में स्पष्ट हुआ जब उन्होंने एक साल पहले कांस्य पदक जीतने के बाद स्वर्ण पदक जीता था। 2013 और 18 के बीच 2 कांस्य और 2 रजत पदक जीते। 2016 रियो ओलंपिक में जापान की नोजोमी ओकुहारा को 21-7 से हराकर सिल्वर मेडल जीता और प्रधानमंत्री की प्रशंसा हासिल करने के बाद 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भी अपने नाम कर लिया और साथ ही टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला सिंगल्स का ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। पीवी सिंधु ने चीन की हेबिंग जियाओ को 21-13, 21-15 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सिंधु की जीत पर पूरे देश को उन पर गर्व है। यह थी पीवी सिंधु की ओलंपिक तक पहुंचने की कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।